फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का, जहां बहू अनुपमा पड़ गई है सासू माँ मालती देवी पर भारी। मेरे घर में क्या क्या हो रहा है मुझे दिख ही जाता है। अब मालती देवी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अनुपमा का अनुज इतना ज्यादा ख्याल रख रहा है। फिर क्या हुआ जरा आप देखिए। अनुपमा ये क्या तमाशा लगा रखा है? अनुपमा तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पति से सेवा करवा रही हो, वो भी सबके सामने। ही बेचारा ऑफिस का काम करे, घर आकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाए, तुम्हारे मैके जाकर उनकी जी हुजूरी करे, वापस लौट के तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारे हाथ सहलाए। तुमने शादी की है या गुलाम खरीद कर रखा है? बस आप होती कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने वाली? हमारा रिश्ता ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ये घर मेरा है और मेरे हिसाब से चलेगा। आपको यहाँ रहना है तमीज से रहिए। मेरी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी सास से इस तरह से बात करते कोई? पहले आप मेरी माँ तो बन जाइए, उसके बाद अनु की सास बनिएगा। आपको अगर बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे तो आप एक काम कीजिए, अपना सामान बांधिए एंड जस्ट लीव। क्या? गेट लॉस्ट मालती देवी जी, जैसे आप इतने साल थी, गेट लॉस्ट। पिता मैं तेरी माँ हूँ। जो अनु की माँ नहीं बन सकती वो अनुज के लिए कुछ नहीं। आउट। सब लोग फंक्शंस में इतना अच्छा डांस करते हैं, मेरा मन करता है मैं भी डांस सीख लूं। आई एग्री। नहीं नहीं, सीधे टक्कर में अपना ही सर फूटेगा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे अरे ये सच हुआ होता, लेकिन ये सब तो सिर्फ मालती देवी की सोच थी। अब मालती देवी बहू अनुपमा को नीचा तो दिखाना चाहती है लेकिन स्मार्टली और सोच समझ कर, तभी तो ये मालती देवी की सिर्फ एक सोच थी। ABP News आपको रखे आगे।